आज मैं आपके लिए भिंडी की एक बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उस पर मैंने भिंडी ली है। भिंडी को मैंने इस तरह से धो के और कट कर लिया था और उसके बाद इसके अंदर इस तरह से एक निशान लगा दिया था। इसके साथ में मैंने लिए है एक मीडियम साइज की प्याज ली है, सॉल्ट चाहिएगा इसमें, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिएगा, साबुत गर्म मसाला चाहिएगा इसमें, कूटा हुआ साबुत धनिया, चिली फ्लेक्स चाहेंगी, ग्रीन चिलीज चाहेंगी, हल्दी पाउडर, ज़ीरा, और इसके साथ में इसमें ऐड होगा ये टमाटर और कच्चे आम के, मैंने जो कैरी होती है इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। दो मैंने कच्चे आम की कैरी ली थी और वन मैंने टमाटो लिया था स्मॉल साइज़ का, और मैंने इसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया था। चले अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक डीची में मैंने 4 to 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला था, और इसमें मैं ये जो मैंने भिंडियाँ जो कट की थी वो मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। साथ में हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हमने फ्राई कर लिया ताकि इसमें जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। भिंडियाँ हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे अब हम निकाल लेंगे। अब हम इसी ऑयल में ऐड कर देंगे अनियंस को जो हमने कट करके रख ली थी, और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। कलर आप इसको गोल्डन कलर देंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देंगे और ना ही बिल्कुल पिंक रखेंगे, गोल्डन सा शेड देंगे। और जैसे ही ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो बस फिर आप इसके अंदर बाकी मसाले ऐड करना स्टार्ट करेंगे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, अब हम इस स्टेज पे इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये 1 टेबलस्पून है कोरिएंडर को मैंने क्रश कर लिया था। इसके अलावा हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, सिनेमन स्टिक ऐड करेंगे, 2 मैंने इसमें लौंग ऐड किए हैं और तकरीबन ये कह लें 8 से 9 दाने काले मिर्च लिए हैं। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के ग्रीन चिलीज का, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और यहाँ पे हमने जो ये कच्चे आम की कैरी और टमाटो को ग्राइंड करके रख लिया था यहाँ पे हम वो भी ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल अलहदा हो चुका है। अब हम इसमें भिंडिया ऐड कर देंगे, पानी नहीं डालेंगे, बस भिंडिया ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको दम पे रख देंगे। भिंडियों में पानी ऐड नहीं होता। देखें रेडी हो गई है, अब हम इसे डिश आउट कर देंगे। हमारी मजेदार भिंडी कच्चे आम की कैरी तैयार है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, आप अपने बैरूने मुल्क रहने वाले फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी आप मेरी रेसिपी शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, आप इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी।